कुछ भी हो लेकिन महंगाई आम लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ वाली चीज है। बीजेपी का ही प्रचार करती है और पैसों से खरीदी हुई है, स्पष्ट बताता हूँ। हमारे गुजरात में जितने भी चैनल चालू करेंगे सब मोदी साहब ही दिखेंगे, और कुछ दिखते क्या? पूरे इंडिया में कोई और नेता है ही नहीं क्या? वो सूट भी बदलते हैं तो भी मीडिया में दिखाते हैं। जितने भी यूट्यूब हो या कुछ भी हो, मैं पर्टिकुलर 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात में अहमदाबाद सिटी में कई लड़कों को ऐसा इंजीनियर उन्होंने खरीदा हुआ है कि जो लड़के खाली यही 10-12 हज़ार पगार देते हैं और उनको सिर्फ मोदी साहब का और अमित शाह साहब का बताने का और पूरे इंडिया में यही प्रचार करने का और सबको यही दिखाने का। ईवीएम मैनेजमेंट तो 100% है, नहीं तो इतना खराब मैनेजमेंट नहीं है। मोदी साहब भी बिजनेसमैन के साथ खड़े हैं, वो मतलब अपना बिजनेस बढ़ाते रहेंगे और जब इलेक्शन आएगा तब ये यही बिजनेसमैन मोदी साहब को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे मोदी साहब तो ऐसे है कि पेट्रोल पंप पे भी मेरे को दिखाओ, पानी के जल के पास वो मुझे दिखाओ, हमारा सरदार सरोवर डैम है वहाँ पे भी मुझे बताओ, सब जगह उनको इतना पॉपुलर होने में इतना इनको फॉन्ड ऑफ है, मतलब शौक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है परेश देसाई फ्रॉम गुजरात। अच्छा, वडोदरा से आए हैं? हाँ, वडोदरा। प्रधानमंत्री जी के इलाके के आए हैं वो पर्टिकुलर है अहमदाबाद के और हम है वडोदरा के। हाँ, मतलब गुजरात राज्य से, गुजरात राज्य से आए। पूरे देश में समय गुजरातियों की धूम है। वो तो सही बात है, है ना? हाँ, महात्मा गांधी से लेके नरेंद्र मोदी तक धूम ही धूम है। क्या चल रहा है गुजरात में? आप लोगों ने बड़े बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। हमने जिताया, उसके पीछे भी कई और भी गेमें है जो क्या बोलते हैं कि गुजरात का हम गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गुजरात ने जो तरक्की की है, जैसे अंबानी जी, अडानी जी का नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि अंबानी जी है वो बहुत ही, धीरूभाई अंबानी हमारे बहुत ही मेहनतू आदमी थे, उन्होंने ही अपनी रिलायंस कंपनी की स्थापना की और पूरे इंडिया में उन्होंने अपना नाम किया। क्या लग रहा है बंगलोर में आप घूमने आए हैं? बेंगलोर में यहाँ की हम वैसे गए थे केरला, और केरला से हम रिटर्न आ रहे हैं बेंगलुरु की ओर। कैसा लग रहा है बेंगलुरु? बेंगलोर अच्छा सिटी है, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी वाला सिटी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत हैं। हाँ। उनको भी हमने कई तरह से क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे रोजगार बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। पूरे देश में एक बात है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल सी 100%, क्योंकि जो बॉटल का दाम था वो 400 रुपये था, आज 1100 रुपये में बिक रहा है। कुछ भी हो लेकिन महंगाई आम लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ वाली चीज़ है, उसको दूर करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। लोग कहते हैं गुजरातियों के पास तो बहुत पैसा होता है, बाकी देश के पास पैसा ही नहीं है। वो मीडिया प्रचार है। मीडिया तो बीजेपी का ही प्रचार करती है। बीजेपी का ही प्रचार करती है और पैसों से खरीदी हुई है, स्पष्ट बताता हूँ। अच्छा, गुजरात के लोग भी मानते हैं कि मीडिया पैसों के लिए खरीदी गई है। सब हमारे गुजरात में जितने भी चैनल चालू करेंगे सब मोदी साहब ही दिखेंगे, और कुछ दिखते क्या? पूरे इंडिया में कोई और नेता है ही नहीं क्या? चैनलों पर सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। हाँ, मोदी जी का प्रचार ही ऐसा है कि पहले से गुजरात में सीएम थे तब भी वो ही करते थे, और ये भी अभी प्रधानमंत्री बने तो भी वही करते हैं, वो सूट भी बदलते हैं तो भी मीडिया में दिखाते हैं। अच्छा, जो आप इतने पढ़े लिखे हैं, आम लोगों के बीच में फिर जब मीडिया का ऐसा रोल आता है तो मीडिया के प्रति कैसी इमेज बनती है लोगों की? मीडिया में ऐसे सब कई लोग, इसमें भी अभी दो पार्ट पड़ गए हैं, एक जो है बिना बिकाऊ वाला और दूसरा है बिकाऊ वाला। अच्छा, आप मुझे कोई नाम बता सकते हैं जिसको आप लगता होगा कि ये चैनल बचा है जो अभी बिका नहीं है? NDTV। NDTV तो अडानी जी ने खरीद लिया। भले अडानी जी ने खरीद किया, लेकिन उसके जो 2-3 पत्रकार थे वो बहुत ही सही तरह से अपनी न्यूज बताते थे। अभी भी बताते हैं। नाम याद है किसी पत्रकार का? पुण्य प्रसंद। वो तो चलेगा, तो यूट्यूब चलाते हैं। लेकिन अभी भी आप मानते हैं कि NDTV जो है वो NDTV पे अभी भी अच्छी खबरें आती है? अच्छी, सही बात। तो अकेला आप सबका मानना ये है कि जितना मीडिया चैनल है उसमें अभी भी सिर्फ NDTV बचा हुआ है जो सही खबरें दे रहा है। पब्लिक, जो आम आदमी है, वो क्या उतने ही अब टीवी चैनल पर भरोसा करता है? इसमें क्या है कि पर्टिकुलर आज लोगों की सोच भी ऐसी बदल गई है कि जो दिखता है वो बिकता है, उसमें भी जितना प्रचार करोगे उतनी अपनी वाहवाह होगी, और लोग तो क्या है कि सही तरह से दिमाग में नहीं समझ पा रहा है अपनी तकलीफें क्या है,
अपनी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो इतना आउटसाइड में तो नहीं है, मैंने पूरे बेंगलोर में भी देखा है। हाँ। गुजरात में पर्टिकुलर कई सिटी ऐसे है कि जो डेवलप है, लेकिन कई नई भी है। इंटीरियर एरिया में जाएंगे तो ट्राइबल एरिया भी है। ये एक बात बताइए मुझे, लोग कहते हैं कि अब हमने मेन स्ट्रीम मीडिया जिन टीवी चैनल की बात कर रहे हैं उनकी जगह अब हमने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल इनको देखना ज़्यादा शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लोग कम से कम सच बताते हैं। अभी तो सोशल मीडिया भी मोदी साहब ने खरीदी हुई है, जितने भी यूट्यूब हो या कुछ भी हो, मैं पर्टिकुलर 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात में अहमदाबाद सिटी में कई लड़कों को ऐसा इंजीनियर उन्होंने खरीदा हुआ है कि जो लड़के खाली यही 10-12 हज़ार पगार देते हैं और उनको सिर्फ मोदी साहब का और अमित शाह साहब का बताने का और पूरे इंडिया में यही प्रचार करने का और सबको यही दिखाने का। अच्छा, आपका कहना है कि सोशल मीडिया पे भी उन्होंने 10-12 हज़ार रुपए देकर लोग खरीद लिए हैं और वो दिन भर मोदी साहब बस वही उनका एक मीडिया जो उनका होता है पार्टी का भी, वो भी यही काम करता है कि उनका पर्टिकुलर क्या बोलते वर्क ही ऐसा है कि उनका जो मीडिया चैनल है यही काम करता है कि पूरे दिन लोगों को घुमाओ और अपने राज करो। तो ये बातें जब जनता को समझ में आने लगी तो वो जितनी मेहनत कर रहे हैं वो तो सब फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि जनता समझ रही है। जनता समझ रही है, पर्टिकुलर मैं कई स्टेट की बात करता हूँ कि ये जो इलेक्ट ये ईवीएम का कमाल है। पर्टिकुलर मैं भी गुजरात से हूँ, लेकिन स्पष्ट बोलता हूँ कि मैंडेट अगेंस्ट पब्लिक का मैंडेट नहीं है ये, क्योंकि ये जो ईवीएम है वो भी टाइम बीइंग चलता है और उसी के मुताबिक रिजल्ट देता है। तो आपको मानना है कि गुजरात का चुनाव भी कहीं ना कहीं ईवीएम के मैनेजमेंट से हुआ है? ईवीएम मैनेजमेंट तो 100% है, नहीं तो इतना खराब मैंडेट नहीं है। आपको लगता है कि अगर ये ईवीएम रहेगी तो फिर ये जादू होता रहेगा, ये चलता ही रहेगा? इसका उपाय क्या है, निदान क्या है इसका? इसकी मोनोपोली तोड़नी पड़ती है, लेकिन जब तक अडानी अंबानी मोदी साहब के साथ हैं, ये सब उसका भी एक चैनल है। पर्टिकुलर अडानी अंबानी ये सब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है इनमें भागीदार है, चैनलों में है वो, क्योंकि मोदी साहब भी बिजनेसमैन के साथ खड़े हैं, वो मतलब अपना बिजनेस बढ़ाते रहेंगे और जब इलेक्शन आएगा तब ये यही बिजनेसमैन मोदी साहब को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब लोग कहते हैं जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस भी ऐसी टाटा बिरला अंबानी कांग्रेस भी ऐसी बढ़ाती थी? नहीं, इतना हमने जितना मीडिया प्रचार इन लोगों के शासन में हुआ है और किसी के शासन में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे मोदी साहब तो ऐसे है कि पेट्रोल पंप पे भी मेरे को दिखाओ, पानी के जल के पास वो मुझे दिखाओ, हमारा सरदार सरोवर डैम है वहाँ पे भी मुझे बताओ, सब जगह उनको इतना पॉपुलर होने में इतना इनको फॉन्ड ऑफ है, मतलब शौक है कि अपनी वाहवाही करो और राज करो। अच्छा, इतनी अपने को खुद को दिखाने की चाहत क्यों है मोदी में इतना? मोदी साहब पहले से ही ऐसे हैं कि उनको क्या है कि मजाक वाले आदमी हैं, क्योंकि उनको क्या है कि शासन का जो होगा वो अपने आप चलता रहेगा, लेकिन अपनी जितनी है उनको एक ही शौक है, दिन में 10 बार कपड़े बदलो, लोगों को अच्छी तरह से दिखाओ, कई बार रॉबिन हुड के ड्रेस में दिखते हैं, कई बार पॉलिटिशियन के रूप में दिखते हैं, हर बार अलग अलग रूप में दिखेंगे वो। तो ये गुजरात ही उनको शौक है कि बार बार कपड़े बदलो? नहीं, गुजरात हर गुजराती को नहीं है। नहीं, जब मैं ये पूछा जब मुख्यमंत्री थे तब से उनको शौक है? हाँ, तब से शौक है कपड़े बदलने का। कपड़े बदलने का बहुत ही शौक है उनको। उनको देख के गुजरात के बाकी लोग कपड़े बदलते हैं इतना? नहीं, हर एक के पास पैसा कहाँ है तो वो बदलेंगे। जिसके पास पैसा है वो बदल, हाँ वो बदल लेते हैं। तो देखिए, ये थे देसाई साहब, गुजरात से घूमने आए हैं बैंगलोर में, लेकिन बहुत अच्छी बातें करी और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि प्रधानमंत्री जी को कपड़े बदलने का बहुत शौक है, वो चाहते हैं कि वो नए लुक में नए रूप में कपड़ों के साथ आते रहें। और देसाई साहब ने ये भी कहा कि महंगाई बहुत है, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो रहा है, और ये भी कहा कि जब तक ईवीएम है तब तक कुछ निदान नहीं है। और एक खुलासा और किया गुजरात के निवासी होने के नाते कि गुजरात में मैंडेट इतना ख़राब नहीं था, जादू ईवीएम ने कर दिया। जो भी सच हो हम कह नहीं कहते, लेकिन गुजरात के लोगों के अंदर भी ये डाउट है कि जो जादू हुआ गुजरात में उसके लिए कोई गुजरात में सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या उसका निदान होगा ये ढूंढना विपक्ष के लोगों का काम है, ज्यूडिशरी का काम है, उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन
बच्चा लगा देता है जी, आपने बात करके। उसके लिए भी और एक रास्ता है, उनको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो अपना कागज वाला बैलेट से कराए ना, तो भी अपने जल्दी आ जाएगा, रिजल्ट भले लेट आएगा लेकिन लोगों को सही को विश्वास तो आएगा। अब जनता भी बात करने लगी है कि ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव कराया जाए। कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट से जरूर बताइएगा। शुक्रिया।